ये कैसी बीमारी आ गई है हमारे देश में, ऐसी बीमारी चीन वालों ने खोल दिया है हमारे देश में, जिससे हमारा देश पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। साथियों, कोरोना वायरस से बचे के निम्नलिखित उपाय निम्न प्रकार है। बार बार हाथ धोएं। जब आपके हाथ अस्पष्ट रूप से गंदे ना हो तभी आप एल्कोहल युक्त हैंड वॉश या साबुन और पानी से साफ करें। साथियों, यही कोरोना वायरस से बचने का उपाय है। बुखार खांसी और सांस लेने में कठिनाई है तो आप झाड़ू फूंक के चक्कर में न पड़े, निकटवर्ती डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर से मिलने के दौरान अपने मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क और कपड़े का प्रयोग करें। साथियों, इससे कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। भैया सुन लो, लिख लो, पढ़ लो भैया, कोरोना वायरस बहुत खतरनाक बीमारी भैया। छींकते और खांसते समय अपना मुंह और नाक टिश्यू पेपर से ढक लो भैया। थोड़ी सी सुरक्षा आती दुर्घटना घटी भैया, इस बात का ध्यान दो। मैं कसम झूठ ना बोलूं, बहुत लोग चपेट में आ गए भैया, अपना देश भी बिल्कुल खतरे से जूझ रहा भैया। चीन वाला एक कोई बीमारी आई है जिसका नाम कोरोना वायरस है। इस कोरोना वायरस ने पूरे देश को अपने बस में करने का निर्णय लिया है। मैं पूरे देशवासियों से आग्रह करता है, इस बीमारी से बचने के लिए आप बेवजह अपनी आंखें, नाक या मुंह न छुएं। छूने के बाद हमेशा हाथों से अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोएं। खांसी या बुखार के लक्षण होने पर या सांस होने पर तकलीफ होने पर लक्षण समाप्त होने तक सार्वजनिक स्थानों पर न जाएं और लोगों से निकट संपर्क करने से बचें। अगर आपको खांसी हो गया है, बुखार है, सांस लेने में कठिनाई हो रहा है तो आप अपने निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। साथियों, ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो और हम और आप मिलकर आइए इस बीमारी को दूर भगाते हैं। और ना कोरोना वायरस चीन से आया है, चीन चल जाए। डीजे विवेक अंबेडकर नगर, डीजे विवेक अंबेडकर नगर, डीजे विवेक नगर। ए बाबू, ए पूरा भोजपुरी समाज के अच्छे से चेत करते हो भैया लो, कोरोना वायरस पूरी तरह से देश में फैलल बा हो भैया लो। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए बिल्कुल समुचित व्यवस्था का प्रबंध कर दिया है। मैं अपने पूरे प्रदेशवासियों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि यह बीमारी से लड़ने के लिए हम सभी प्रदेशवासी एक साथ मिलजुल कर इस कोरोना वायरस से बचने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सतर्कता बरतते हुए उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षण संस्थानों को आगामी 2 अप्रैल तक ले बंद करने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ कोचिंग संस्थानों को भी बंद करने का निर्णय लिया गया है। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, अन्य सार्वजनिक जगहों पर भी कोई भी सभा करने से रोक लगा दी गई है ताकि हमारे प्रदेश में यह बीमारी भयावह रूप धारण न कर सके।